नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, 4 बार राज्यपाल रहे और प्रधानमंत्री मोदी के सांसद रहे सत्यपाल मलिक ने वह खुलासे हमारे देश के सामने कर दिए हैं, जिन खुलासों का कार्यभार या तो विपक्ष पर था और नहीं तो पत्रकारों। लेकिन विपक्ष और पत्रकारों की जिस तरह से हालत कर दी गई है और पत्रकारिता को जिस तरह से जाबी बंद कर दिया गया है, वैसे में यही संभव है कि उन्हीं की पार्टी के विद्रोही अब उनकी नीचे की जमीन खिसकाएंगे और उसका सिलसिला सत्यपाल मलिक से शुरू हो गया। सत्यपाल मलिक उन नेताओं में जो हैं जिन्हें मोदी पसंद नहीं करते, बावजूद मोदी ने अपने ही कार्यकाल में उन्हें 4 बार अलग-अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उस समय धारा 370 वहां से खत्म की गई, वहां यूनियन टेरिटरी का दर्जा खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 राज्य बने। उस बीच बड़ा हमला हुआ हमारे देश पर, जिसको पुलवामा कहा जाता है। पुलवामा के उस हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ लोकसभा में जीती। तब भी कहा गया कि पुलवामा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने के लिए, खुद को और ताकतवर प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया है। यह बात आज सत्यपाल मलिक ने भी कह दिया है। सत्यपाल मलिक देश के प्रसिद्ध पत्रकार कर्ण थापर को YouTube चैनल द वायर को एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने क्रमशः करके कई खुलासे किए। उन खुलासों में सबसे बड़ा जो खुलासा है वह पुलवामा को लेकर है। अगला खुलासा उन्होंने 370 को लिया है, उसके बाद यूनियन टेरिटरी के बंटवारे को लेकर कहा है, साथ ही पत्रकारिता की बंदिशों पर भी बात की है और उसके अलावा 300 करोड़ की घुसखोरी और राम माधव और अंबानी के रिश्ते अटल माफ करिएगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसे हैं, उसको लेकर भी किया है। इन सब खुलासों के बीच बहसें तेज हो गई हैं इस देश में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उनका कहना है कि देश का हर भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा, जबकि उनके ही पार्टी के उपाध्यक्ष, उनके ही सांसद, उनके ही द्वारा बनाए गए राज्यपाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई समस्या नहीं है। और वह कहते हैं उस साक्षात्कार में, एक नहीं 10 उदाहरण मैं गिना सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत तौर पर मैंने गोवा के मामले में भ्रष्टाचार उजागर करने की बात कही, मैंने जम्मू कश्मीर में जब राम माधव आए और जब उन्होंने रिलायंस का जब हमने ठेका रद्द किया वहां से उसके कम्युनिकेशन का, या फिर हाइड्रल पावर का प्रोजेक्ट रद्द किया उस मामले में भी भ्रष्टाचार पर बात की, तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा और कहा चुप रहो। लेकिन सवाल यही नहीं रुकता है, चुप रहो एक बार प्रधानमंत्री ने सतपाल मलिक को नहीं कहा, बार बार चुप कराया भ्रष्टाचार के भी मामले पर और राष्ट्र गौरव के सवाल पर भी, जब वह कह रहे थे और जब उनके नेता टीवी चैनलों पर बैठकर कह रहे थे मोदी के कि पुलवामा के सैनिकों पर सवाल, इस देश के संप्रभुता पर सवाल है, इस देश के गौरव पर सवाल है, सेना पर सवाल है, तो आज जब उनके ही नेता ने कह दिया कि दरअसल पुलवामा हमारी गलतियों की देन है, दरअसल पुलवामा होम मिनिस्ट्री और सीआरपीएफ के सिक्योरिटी लैप्सेस की देन है और दरअसल पुलवामा असल में प्रधानमंत्री मोदी कि उस पूरे आबो हवा की देन है जिसकी बदौलत वह 2019 जीते। अब प्रश्न यह है कि सत्यपाल मलिक के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को किस मुंह से देंगे, किन किन प्रवक्ताओं को बैठाएंगे गाल बजाने के लिए, कौन कौन मोर्चा लेगा उनके अपने प्रिय टीवी चैनलों पर बैठकर, और सत्यपाल मलिक को आखिर कहेगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक न लिब्रांडू हैं, न सेकुलर पंथी है, न ही वह मुसलमान है, न ही वह कांग्रेसी है, और न ही वह अखिलेश और तेजस्वी की जाति से आते, और न ही वह कम्युनिस्टों के पार्टी में कभी शामिल रहे। वह तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से छात्र राजनीति से निकले और छात्र राजनीति से निकलने के बाद वह चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत किए
और विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यपाल रहे और वाइस प्रेसिडेंट रहे बीजेपी के, तो आखिर किन किस मुंह से जवाब दें? जात से भी वो जाट हैं और किसान आंदोलन में बहुत आगे बढ़कर रहे। ऐसे में प्रश्न ये है कि राज्यपाल रहने के दौरान उन्होंने इन सवालों पर क्यों नहीं बोला? इसको लेकर जरूर सवाल उठेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर आज वह सच बोल रहे हैं तो क्या वह स्वीकार्य नहीं माना जाएगा? क्या वह सही नहीं माना जाएगा? क्या प्रधानमंत्री से मुलाकातें और उनकी बातें अनऑफिशियल रही होंगी? तो भाई जांच कराई जाए, क्योंकि राम माधव को लेकर जो उन्होंने कहा है कि राम माधव सिर्फ मुझसे एक बार जीवन में मिलने आए। राम माधव वो नेता है जो आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में आए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पुल माने जाते हैं, वह पार्टी के महासचिव भी रहे, और वह अगर सत्यपाल मलिक के शब्दों में कहे तो रिलायंस अंबानी के लिए दलाली करने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक के दरवाजे गए, वह भी पहली बार। न उसके बाद न उस अब तक कोई दूसरी मुलाकात नहीं है। उन्होंने पूछा था कि क्या आपने अंबानी का टेंडर रद्द कर दिया, क्या चिट्ठी टेंडर रद्द करने की निकल गई, और सुबह 7 बजे का क्या देशभक्ति है, क्या दोस्ती है? आखिर यह दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी से सीखी होगी राम माधव ने, कि जो अडानी के लिए वह निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि भाजपा के लोग राष्ट्रभक्ति के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन इन शहीदों की शहादत पर किस तरह से गाल बजाते हैं। भ्रष्टाचार के प्रश्न पर वह क्या कहते हैं जब उन्हीं के राज्यपाल बड़े सरेआम उनको चौराहे पर ला खड़ा करते हैं। अब सवाल यह है कि राजा को नंगा तो कह दिया है, लेकिन उनके भांड मीडिया क्या इस सवाल को ताकत से उठाएंगे और देश के जन जन को बताएंगे? जो मीडिया कल से अतीक अहमद पर लगा हुआ है, एक माफिया के पीछे लगा हुआ है, यह तो राष्ट्र के साथ माफिया गिरी। 130 करोड़ लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की माफिया गिरी है कि यह कैसे एक उनका ही राज्यपाल जो उनकी सरकार में रहा वह कह रहा है कि साहब पुलवामा के शहीदों की शहादत हमारे मुल्क की गलती और उसका इस्तेमाल चुनाव के लिए किया गया, जांच नहीं कराई गई। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों को पालते और पोसते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं, वह 300 करोड़ का रहस्य क्या है? आखिर इन सवालों का जवाब कौन देगा और कब देगा? यह बड़ा प्रश्न है, और इन प्रश्नों के साथ 2024 की यात्रा चलेगी। अब 2024 की यात्रा एकदम साफ तय हो गई है कि अब प्रधानमंत्री को झूठ बोलने का जो घड़ा है प्रधानमंत्री का, वह पूरा हो गया है, और वह अब उछल उछल कर बाहर आ रहा है। और अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के पत्रकार, प्रधानमंत्री के सिपाह सालार और उनके प्रवक्ता देश को कैसे भरमाते हैं, और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि विपक्ष एक होकर इन बड़े प्रश्नों को कैसे आगे बढ़ाता है। हालांकि राहुल गांधी ने सवाल सुबह से ही शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि अन्य पार्टियों के लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो 17 पार्टियां एकजुट होने की विपक्ष में बात कर रही हैं, इस प्रश्न को जन जन में कैसे ले जाते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको बताएं कि पार्टियां छोड़कर या पार्टियों से रिटायर होकर खुलासों का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है, कई नेताओं ने किया है। यूपीए में एक मंत्री हुआ करते थे पुरानी सरकार में, यूपीए से पहले, नटवर सिंह, विदेश मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार, उन्होंने बार बार कई कई खुलासे किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं। सवाल यह है कि क्या सत्यपाल मलिक के खुलासों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यह देखना होगा, और यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष जनता में इन सवालों को कितना ताकतपूर्वक ले जाता है। अगर ट्विटर और फेसबुक और टीवी के भरोसे वह रहेगा, तो यकीन मानिए कि सत्यपाल मलिक के इन खुलासों का मायने और मतलब 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हो और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हो। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।